राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी को वहां पर बढ़त है, ऐसे में बाबा बालकनाथ क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। राजस्थान की सत्ता पर कौन बैठेगा इसका फैसला आज होना है। काउंटिंग की जो शुरुआत है, वोटों की गिनती वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद ही जो तस्वीरें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। क्या कुछ कहना है इस पूरे जो काउंटिंग के जो रुझान आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे बीजेपी के से अलवर से सांसद महंत बालकनाथ जी से, और वो फिलहाल तिजारा विधानसभा जो सीट है वहाँ से प्रत्याशी भी हैं। सर, रुझान आने शुरू हो गए हैं, 105 के आसपास जो सीटों पर बढ़त वो बीजेपी को देखी जा रही है, 85 सीटों के आसपास जो कांग्रेस को देखी जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए 105 से 125 तक जाएगी और कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 सीटें जीत पाएगी, कुछ निर्दलीय जीतेंगे और बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान में रहेगा। किस तरह की उम्मीदें आपको अपनी सीटों पर लेकर है, क्या कुछ मुद्दे आप बताना चाहेंगे जिन मुद्दों का असर जिसके चलते जो ये पूरा चुनाव है वो बीजेपी की पक्ष में झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए एक सरकार के मूलतः जो दायित्व होते हैं विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, इन तीनों ही क्षेत्रों में राजस्थान सरकार फेल हुई है और इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि राजस्थान की जनता बहुत ही त्रस्त थी। गुंडों का शासन राजस्थान में था, फिरौतियाँ मांगी जाती थी, सरेआम दिन में फायरिंग होती थी, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं थी और जिस प्रकार से झूठ का वातावरण इन लोगों ने बनाकर सरकार जीती, पिछले चुनाव को ये जीत पाए थोड़े से अंतराल पर, किसानों के साथ धोखा, युवाओं को पेपर चोर। तो बाबा बालकनाथ को आपने सुना, सवाल ये है चूंकि इनके भी कुछ समर्थक बता रहे थे कि ये सीएम की रेस में है तो क्या इनका भी नंबर आ सकता है क्या उस लिहाज से, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ABP News आपको रखे आगे।